हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कार्यालय मुख्य चिकित्सालय स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान में। जी हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट निकाली गई है, 1691 टोटल पोस्ट यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी किसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लास्ट डेट कब होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या होगा, ऑल डिटेल। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि जितनी भी न्यू अपडेट हो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि इस चैनल पे चाहे वो CHO की वैकेंसी हो या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो या फिर ESIC की वैकेंसी हो या फिर एम्स की वैकेंसी हो, ऑल वैकेंसी आपको पूरी इस चैनल के थ्रू आपको पूरी अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं डिटेल की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट यहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ GNM BSc डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोविड राज्य स्वास्थ्य सहायक की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और यहाँ पे 1691 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18/5/2021 एवं श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर के आदेश क्रमांक कोरोना वार रूम यहाँ पे दिया गया है को पालन की जिले में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने एंड मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने व मृत्यु दर को न्यूनतम किए जाने हेतु जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक का चयन नियोजन किया जाना है। तो उक्त चयन नियोजन पूर्णतः अस्थायी रूप से यहाँ पे दिनांक 31 जुलाई 2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग की भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। मतलब 31 जुलाई तक यहाँ पे जो है करना जरूरी है। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित पद की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो गूगल फॉर्म है इस वेबसाइट पे माध्यम से आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, जिसका जो है आपको आवेदन 25/5/2021 को शाम 6 बजे तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 25 तारीख को इसका जो है लास्ट डेट रहेगा और निर्धारित समय और अवधि के पश्चात आवेदन स्वीकार जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, ये जो है ईमेल आईडी है। ठीक है, और इस ईमेल आईडी के पर मेल करके भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप इस फॉर्म को इस लिंक के थ्रू भी भेज सकते हो या फिर इस ईमेल आईडी के थ्रू भी भेज सकते हो। अब कोविड स्वास्थ्य सहायक को योग्यता सीनियर सेकेंडरी GNM BSc नर्सिंग तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से और यहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायक दिनांक 23 जुलाई से कार्य किया में लिया जाएगा। मतलब 31 जुलाई से ही यहाँ पे कार्य पे लिया जाएगा, लेकिन लास्ट डेट जो है 25 जून है अभी। और यदि स्थानीय असार्थियों की संख्या जिले हेतु आवंटित कोविड स्वास्थ्य संख्या में कम होने पर अन्य जिलों में सारथियों को मेरिट के आयोजन किया जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिले के अकॉर्डिंग, मतलब जिस जिले में है उसी जिले के जो कैंडिडेट हैं उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ के कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो दूसरे जिले वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उनको भी लिया जाएगा। ठीक है, और यह मासिक पे जो रहेगा 7,900 रुपये प्रति माह रहेगा। ठीक है, और कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर ऑक्सीजन मॉनिटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ड्राइव CSC PSC ग्राम पंचायत COVID-19 के बारे में गांव की जनता शहरी क्षेत्र को संक्रमण के बारे में घर घर सर्वे कर आमजन को जागरूक कराने पर एवं चिन्हित मरीजों को दवा वितरण एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु दिए गए उत्तरदायित्व का तथा समय समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्य करना होगा। तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पे ड्यूटी लगेगा स्वास्थ्य सहायक का उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लगेगा, कोविड केयर सेंटर में रहेगा, ऑक्सीजन मॉनिटर में लगेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ड्राइव CSC PSC और गाँव में पंचायत हर जगह जाकर उनको जागरूक कराना है, साथ में दवाई भी देना है और रोकथाम के लिए आपको एजुकेशन भी देना है। ठीक है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो ये थी पूरी अपडेट। तो ये जो है वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान में, जिसमें 1691 टोटल पोस्ट रहेंगी। ठीक है, और यहाँ का BSc GNM दोनों अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और यहाँ पे जो है आपको 25 मई उस दिन जो है लास्ट डेट रहेगा 6 बजे से पहले, और आपका जो पोस्टिंग होगा वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये थी पूरी अपडेट। और आपको ये जो ऑफिशियल लिंक बताई हूँ वहाँ जाना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है और फिर डायरेक्टली वहाँ से फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना है, या फिर इस ईमेल आईडी के थ्रू भी भेज सकते हो। तो ये थी पूरी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।